बताइए उस समय कितने मेडिकल कॉलेज थे और मोदी जी के आने के बाद 23 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को दिए गए कि नहीं दिए गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जिसमें मुझे याद है कि 7 मेडिकल कॉलेज हो गए थे और बाकी मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे हैं। इसलिए विकास की नई कहानी हमारे नेताओं ने, हमारे एनडीए की सरकार ने किया है, इसको भी हमको समझना है। लेकिन हाँ, आपके सामने में आप कहोगे कि लेकिन जाने पोस्टर उठा करके फिर रिपोर्ट गहलोत की दिखा दी, ऐसा मैं फिर पोस्टर नहीं दिखाता हूं। मैं पत्रकारों को याद दिलाना चाहता हूं, बताइए गहलोत सरकार ने कहा था कि नहीं कहा था कि एग्रीकल्चर के मशीन पर, फार्मर्स के ट्रैक्टर पर हम जीएसटी को हटा देंगे? कहा था कि नहीं कहा था? हटा दिया क्या? हटाया क्या? बताइए कहा था कि नहीं कहा था कि मैं स्पाइस बोर्ड बनाऊंगा? कहा था कि नहीं कहा था? स्पाइस बोर्ड बन दिया गया। कहा था कि नहीं कहा था कि हम एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को आगे बढ़ाएंगे? बढ़ा दिया गया। एक पूरा वीडियो बना लो यहाँ से वापस खाली कर। उन्होंने कहा था कि मैं जल घर में पहुंचाऊंगा, किया गया? उन्होंने किया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का बैकलॉग मैं खत्म करूंगा, कर दिया क्या? बेकार किया गया? आप तो सब जानते हैं, किया गया बता, बिल्कुल नहीं किया गया। ये इतना रिपोर्ट कार्ड है, बताइए कहा था कि हम शहीदों के पत्नियों को नौकरी देंगे और उनका घर बसाएंगे, किया क्या? आज दो महीने नहीं, मैं थोड़ी देर की बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आगे हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और हम उनका न्याय दिलाएंगे। इस बात का आपको विश्वास है। उसके मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये इधर नड्डा जी का भाषण चल रहा है, इसके साथ ही अपन देख रहे हैं भीड़ के पीछे से लगभग भीड़ जा चुकी है, काफी लोग जा रहे हैं गेट के पास से, आप देख रहे हैं। आप बताइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 511 मामले दर्ज हुए कि नहीं हुए और उसका कोई नतीजा नहीं निकला है? आप बताइए गहलोत परिवार के लोग हजारों के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं? आप बताइए, मैं भरतपुर गया था, भरतपुर के मंत्री की पति ने रेप और मर्डर का केस है कि नहीं है? भरतपुर के मंत्री के, मैं बोल रहा हूं, भरतपुर के मंत्री के पति देव पर मर्डर का और रेप का केस है कि नहीं है? और गहलोत सरकार उसको बता रहे हैं कि नहीं बता रही है? ये अत्याचार है कि नहीं है? ये उत्पीड़न है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, आजकल इन्होंने एक नया शक्तिपात छोड़ा और वो है पीडीए। पर बैठ जाऊं? और पीडीए क्या है? पेट्रोलिक डेमोक्रेटिक लगा। मैं पीडीए को कहना चाहता हूं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टी अलायंस, पीछे से काफी सारे लोग चले गए हुट के, आप देखेंगे खाली जगह हो गई पूरी, अभी भी भाषण चलते हुए भी काफी लोग जा रहे हैं। अखिलेश और निखिल की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? बोलिए ना, अखिलेश और निखिल की पार्टी है कि नहीं है? ये आरजेडी लालू अपने उसकी पत्नी राबड़ी देवी तेजस्वी पहले की बनाते हैं बना रखिए। बस वही ना।
हमारे काम में जाके गाड़ी ट्रेन में लगी है, गाड़ी की नाव के लिए नाव में जाके
बहुत बढ़िया सर, तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।